हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आपके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ मंडे के ट्रेड के लिए। इस स्टॉक का नाम है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कोटक बैंक। और कोटक बैंक की जब मैंने अभी स्टडी करी तो मुझे पता चला कि एक आर्ली चार्ट पे एक बुलिश बैट पैटर्न बन रहा है। हम कह सकते हैं कि डेली चार्ट पे भी बन रहा है। सो हम मान के चल सकते हैं कि एक या दो दिन के अंदर यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं कोटक बैंक के अंदर। तो अगर आपको 20-25 रुपए भी मिल रहे हो तो क्यों हम आपके लिए वीडियो ना बनाए और आप लोगों को हर चीज में क्यों इंटरेस्ट ना दिखाए। सो गाइज, आप इस कोटक बैंक पे कौन से पैटर्न है वो हम आपकी स्टडी करेंगे, आपको बना के दिखाएंगे क्या टारगेट्स क्या स्टॉप लॉसेज हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्टली हम सिर्फ बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कोटक बैंक का चार्ट ओपन करा हुआ है। ये तो हमारे गाइस प्रीवियस चार्ट्स हैं, तो इसमें हमने जो इस चार्ट पे अपनी स्टडी कर रखी थी हम उसे अभी हटा देते हैं फॉर टाइम बीइंग के लिए। तो अभी हमारे लिए जो पैटर्न बना हुआ है हम सिर्फ उस पैटर्न पे गौर करेंगे। तो उसके लिए मैं गाइस सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि एक सपोर्ट का काम करेगी जिस हिसाब से मुझे लगता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ट्रेंड लाइन पे अगर मैं इसे आर्ली चार्ट पे लेकर जाता हूँ, क्योंकि गाइस वहां से हम क्लियरली इसे फोकस करके देख पाएंगे। एक सेकेंड गाइस, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जी गाइस। तो आप देख सकते हैं, सो यहाँ पर एक पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। और जो पैटर्न का नाम मैंने आपको बताया था वो पैटर्न का नाम था गाइस बुलिश बैट पैटर्न। सो मैं आपके लिए एक बुलिश बैट पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ और आप देखिएगा कि इसके जो टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉसेस है वो कहां तक जा सकते हैं, क्या बाइंग लेवल हो। सो गाइस, आप जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। यहां पर आप 871 देख रहे होंगे। सो हमारा जो आता है वो पैटर्न बनता है 886 के आसपास। तो 10 पॉइंट्स का कुछ हम मान के चल रहे हैं, वो है कोई माइनर है, 1-2 रुपए का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर इसका जो लो बना है वो लो बना है 1645 का, तो अगर हम मान के चले 886 बना होगा अराउंड 1644-1643 का, 1-2 रुपए का ही फर्क पड़ता है। सो हम इस लेवल को भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मान सकते हैं। सो इस लेवल से हमने ये जो बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला था, हमने इस लेवल से एक स्टार्ट करी। तो अब इस लेवल से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इस लेवल से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है। और रिवर्सल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। उसके लिए हम गाइस एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे जो कि सी से लेकर डी तक के लिए हम ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया है और जो ये पैटर्न सजेस्ट कर रहा है, ये पैटर्न हमें शो कर रहा है कि ये बेसिकली यहाँ से कम 618% रिट्रेसमेंट लेवल तक जा सकता है। तो उसके लिए अगर हम फिर एक अपने लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करना चाहे तो लॉन्ग पोजीशन क्या निकल के आती है, अगर हम लॉन्ग पोजीशन एक बाय करें तो लॉन्ग पोजीशन के लिए हमारे जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेज हैं हम वो फाइंड करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक पैटर्न अपने आप खुद फाइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका 43 रुपीज समथिंग का आपका एक टारगेट है और 15 रुपीज का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 15 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा गाइस। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो बॉटम है 1645 का, और इसने जो क्लोजिंग दिया वो 1660 पे दिया, 1655 पे 10 रुपये ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया। तो आप लोगों को करना ये है गाइस कि अगर ये आपको 1645 के पास कल एक डिप देती है तो आप उस डिप पे ज़रूर बाय करिए। स्टॉप लॉस अपना 15-20 रुपये नीचे रखिए और उसके बाद जो आपके टारगेट्स हैं वो एक या दो दिन के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से 30-40 रुपये तक की एक मूवमेंट दिखा सकता है कोटक महिंद्रा बैंक और जिसके जो टारगेट्स हमें शो कर रहे हैं। सो गाइज, ये एक बुलिश बैट पैटर्न है जो कि मैं आपके लिए एक बार नाम दोबारा लिख देता हूँ कि ये एक बुलिश बैट पैटर्न है और हमें लगता है कि ये यहाँ से 618% रिट्रेसमेंट लेवल तक आराम से जा सकता है जो कि इसका ये लेवल है। आप देख सकते होंगे कि कम से कम आपको 2.5% तक का रिटर्न मिल सकता है जिसमें आपको सिर्फ 1% या 1.5% तक का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो मंडे और ट्यूसडे के लिए एक इंट्राडे ट्रेड हम आपके लिए लेकर आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक। श्योरली आप इसे एक अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी हमारी रिकमेंडेशन बाय शॉर्ट की नहीं होगी, हम सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहे हैं कि ये पैटर्न बना है तो ये इसके टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ तक है। सो आपका ट्रेड है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपका, अगर आपको लॉस होता है गाइज तो वो लॉस आपका। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए गाइज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जितनी भी वीडियोज़ और आने वाली हैं हर दिन से रिलेटेड, सारी की सारी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और सारे स्टॉक्स का जो भी
हम चयन करते हैं गाइज, वो सबसे पहले आपको हमारे YouTube के थ्रू मिल जाएगा, तो आपको कहीं पर भी अपने फोकस को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।